अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 24। और आज के इस लेसन में हमने किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करनी है। आज के इस लेसन में हमने रीजन के ऊपर काम करना है। रीजन क्या होता है, रीजन को किस तरह अप्लाई किया जाता है, पर्पज़ ऑफ रीजन कमांड का मकसद क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट बाउंड्री कमांड, पर्पज़ ऑफ बाउंड्री कमांड और डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड रीजन, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, रीजन में इसमें और बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है। तो हमने प्रीवियस लेसन में बाउंड्री के ऊपर डिस्कस तो किया था, लेकिन हमें आज बाउंड्री और रीजन दोनों के ऊपर कंपेयर भी करना है, दोनों को कंपेरिजन करना है कि बाउंड्री और रीजन में क्या फ़र्क है। सो दोनों के दोनों जो बाउंड्री और रीजन दोनों के दोनों जो होते हैं, ये जब आप 2D ड्राइंग्स को 3D में कन्वर्ट करते हो, तो उसमें इसको जब कन्वर्ट करने के बाद आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो, तो एक्सट्रूड करने के लिए आपको ये कमांड रीजन या बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग तो बाउंड्री अप्लाई करने के लिए पॉली लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉली लाइन जो होती है वो एक ही लाइन होती है। मीन आपने जितना भी ऑब्जेक्ट बनाना है, पॉली लाइन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन आपने अगर फॉर एग्जाम्पल लाइन है, लाइन आप जब करते हो तो लाइन के दो पॉइंट होते हैं अलग अलग। अब जितनी ज़्यादा लाइन इंसर्ट करते जाते हो उसके पॉइंट बढ़ते जाते हैं, जबकि जो पॉली लाइन होती है उसका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट वही होता है जहाँ पे जाके वो उससे पॉली लाइन से जाके जुड़ता है। तो कुछ लोग पॉली लाइन यूज़ करते हैं, कुछ लोग रीजन की कमांड यूज़ करते हैं, कुछ लोग बाउंड्री अप्लाई करते हैं। तो ये अपने अपने जो है तो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ बना रहे हैं और उस पर कौन सी कमांड अप्लाई करनी है आपने। तो जब हम काम करेंगे 2D में या 3D में, जब हम 2D से 3D में कन्वर्ट करेंगे अपनी ड्राइंग्स को, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि रीजन्स और पॉली लाइन एंड बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया मैंने, अब मैं रीजन में पहले पॉली लाइन और लाइन के ऊपर डिस्कस करता हूँ, आपको लाइन बताता हूँ। एल एंटर में करता हूँ जब, अब देखें जब मैंने एल एंटर किया, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सी एंटर करता हूँ क्लोज के लिए, फिर मैं एल एंटर करता हूँ पॉली लाइन के लिए, पी एल एंटर करता हूँ, सी एंटर करता हूँ। इसमें मैंने काफ़ी बार क्लिक किया, इसमें भी क्लिक किया, आप देखें इसमें हर एक पॉइंट अलग अलग से, जहाँ तक मैंने क्लिक करता रहा, हर एक पॉइंट अलग अलग से देखें सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जब आप बाउंड्री अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री से क्या होता है कि आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉली लाइन अप्लाई हो जाती है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉली लाइन अप्लाई हो जाती है। बाउंड्री से आपका ऑब्जेक्ट जो होता है ये कन्वर्ट नहीं होता फर्स्ट में से टू में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉली लाइन ड्रा हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो आपको नजर नहीं आती। जबकि रीजन से ये होता है कि आपके ये जो पॉली लाइन, ये जो लाइन है ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। यूँ समझे कि ये लाइन जो है पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक ऑब्जेक्ट बना लेती है। अब प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये बाउंड्री एक ही होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए वो पॉली लाइन इसी के ऊपर मूव करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट भी वही रह जाता है, वही बनता है, इसकी शेप में चेंजिंग नहीं आती, और दूसरा देखें अब जब मैं इसको मूव करता हूँ तो है तो दोनों का स्टाइल एक ही है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसमें काफ़ी सारी लाइंस सामने नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको पॉली लाइन, ये तो पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस आ गया। अब जो रीजन का कुमार रीजन और इसी में इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, रीजन कमांड और बाउंड्री कमांड में क्या फ़र्क होता है तो उसकी मैं आपको बताता हूँ। तो रीजन कमांड आपको यहाँ पे तो सामने नज़र नहीं आ रही होगी, आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कमांड नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं रीजन। यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इनक्लोज एन एरिया इन टू अ रीजन ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने कंप्लीट आपको बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको एक रीजन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि जो पॉली लाइन बाउंड्री जो होती है, तो बाउंड्री क्या करती है, ये रीजन आर पॉली लाइन फ्रॉम
देखिए एनक्लोज एरिया, कोई भी जो एरिया होता है उसी के ऊपर ये पॉली लाइन को ड्रॉ कर देती है। अब बाउंड्री के लिए जो शॉर्ट कमांड यूज़ होती है वो होती है बी ओ एंटर। बाउंड्री आप ड्रॉ में जाएं, यहाँ पे भी आपको बाउंड्री ओरिजिन दोनों नज़र आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे बाउंड्री और रीजन दोनों आप देखें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो बाउंड्री के लिए जो है बी एंटर, मैं इसको बाउंड्री करता हूँ और इसको मैं रीजन करता हूँ, दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो बी ओ एंटर, बी ओ एंटर बाउंड्री के लिए, पिक पॉइंट आपने देना है और इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। अब ये बाउंड्री हो गई, देखें बाउंड्री के ऊपर अप्लाई हो गया है। अब रीजन के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है आर ई जी होती है, एंटर। इस ऑब्जेक्ट सारे को, सारे के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आप। और राइट क्लिक कर दें, इसके ऊपर भी देखें आप अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था काफ़ी सारी लाइन्स पे मुझे डिवाइड किया हुआ था, अभी एक ही ऑब्जेक्ट आ गया। अब इन दोनों को आप मूव करके देखें ज़रा, हम एंटर करें। जो बाउंड्री वाला ऑब्जेक्ट है उसकी एक बाउंड्री अलग हो गई और नीचे वाली जो उसके ऑब्जेक्ट में अलग अलग डिवाइड की हुई थी वो देखिए अलग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने पहले, इसके पहले आपको इसी के ऊपर पॉली लाइन अप्लाई करके दी थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पॉली लाइन को जब मैंने मूव किया था तो इस तरह एक पॉली लाइन बन गई थी और देखिए नीचे वही ऑब्जेक्ट था। तो मेन बाउंड्री जो होती है ये पॉली लाइन ही होती है जो कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव हो जाती है। अब रीजन वाली कमांड को मैं मूव करता हूँ, अब देखिए रीजन वाली जो कमांड है रीजन के नीचे आप देखें कोई भी इसके नीचे ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन कि आपके जो ऑब्जेक्ट में जो लाइन्स थी उन्हीं को इसने डिवाइड कर दिया, उन्हीं को इसने कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया आपस में, उन लाइन्स को पॉली लाइन में जोड़ दिया। तो ये रीजन और बाउंड्री का फ़र्क है, पॉली लाइन और लाइन का फ़र्क है। तो आपको उम्मीद करता हूँ रीजन और बाउंड्री में अच्छी तरह समझ आ गई क्योंकि रीजन क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों की दोनों कमांड यूज़ होती हैं आपको आपके ऑब्जेक्ट में, आपकी किसी भी चीज़ को 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और एक्सट्रूड करने के लिए, जब आप ऑब्जेक्ट को 2D से 3D में एक्सट्रूड करते हैं तो उसके लिए यूज़ की जाती हैं। और दोनों कमांड में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा इनके, इनमें फ़र्क क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।